नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आज से आपके आम जीवन से जुड़े कई नियमों में हुआ बदलाव। अब गांव में घर घर आएगा अस्पताल। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतगणना है जारी। शिक्षा कार्यालयों में लंबे समय से जमे क्लर्कों का होगा ट्रांसफर। राज्य के कई जिलों के अंदर सीओ का हुआ तबादला। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। अब गांव में घर घर आएगा अस्पताल। अब गांव के हर घर तक चलता फिरता अस्पताल पहुंचेगा, जिसके जरिए लोग बिहार के बड़े डॉक्टरों से परामर्श ले सकेंगे। दरअसल आयुष्मान भारत कार्यक्रम के अंतर्गत बीते दिन राज्य स्वास्थ्य विभाग ने मोबाइल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की शुरुआत की। यह एक प्रकार का चलंत वाहन है, जिसमें सामान्य गैर संक्रमण बीमारियों की स्क्रीनिंग और आंखों से जुड़े सामान्य रोगों के उपचार की सुविधा होगी। साथ ही साथ इस वाहन में चिकित्सीय परामर्श के लिए टेली कंसल्टेशन की भी सुविधा होगी। इस चलते फिरते वाहन में एक स्टाफ नर्स और एक नेत्र सहायक भी मौजूद रहेंगे। दवा की भी व्यवस्था रहेगी। बताते चले कि शुरुआती तौर पर इसे बीते दिन नालंदा और मुजफ्फरपुर में इसका शुभारंभ किया गया। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतगणना है जारी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग खत्म होने के बाद आज सुबह से ही मतगणना शुरू है। बताते चले कि दूसरे चरण के लिए 34 जिलों में 48 प्रखंडों में 19,404 पदों के लिए वोटिंग की गई थी, जिसके लिए 76,000 से ज्यादा प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना है। सुबह सुबह से ही प्रत्याशियों और उनके समर्थकों की भीड़ मतगणना केंद्रों पर जुटने लगी थी, जहां समर्थकों की जुबान पर अपने अपने प्रत्याशियों के लिए जीत के नारे गूंज रहे थे। वहीं कई क्षेत्रों में बारिश के कारण मतगणना शुरू होने में देरी भी हुई। मौसम खराब होने के कारण कई पंचायतों में समय से करीब 1-2 घंटे लेट काउंटिंग शुरू हुई। आज से आपके आम जीवन से जुड़े कई नियमों में हुआ बदलाव। आज यानी कि 1 अक्टूबर को महीने की शुरुआत के साथ हमारे आपके जीवन से जुड़े कई नियमों में बदलाव हो रहा है। अब देश में सभी बुजुर्ग पेंशनर्स जिनकी उम्र 80 साल या फिर उससे ज्यादा है, वो देश के सभी हेड पोस्ट ऑफिस में लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं। आज से होने वाले बदलाव में 3 बैंकों यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और इलाहाबाद बैंक की चेक बुक और MICR कोड खुद इनवैलिड हो जाएंगे। बैंक को किसी भी ऑटो डेबिट पेमेंट के लिए ग्राहकों को 24 घंटे पहले एक नोटिफिकेशन आज से भेजना होगा। साथ ही आज से सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने 19 किलोग्राम कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 43.5 रुपए प्रति सिलेंडर तक बढ़ाए हैं। आज से ही सरकार की तरफ से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। जानते हैं अब बिहार के मौसम का ताजा हाल। बिहार में सितंबर महीने के अंत तक भी आमतौर पर उमस भरी गर्मी होती है। हालांकि चक्रवाती तूफान गुलाब ने मौसम की हालिया स्थिति को पूरा बदल दिया है। इसके कारण कई जिलों में बीते 24 घंटों के दौरान पारा गिरा और ठंड का एहसास लोगों को हुआ। राजधानी पटना में बीते 24 घंटे के दौरान 9 डिग्री से नीचे पारा गिर गया। पटना मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए आज से लेकर 2 अक्टूबर की सुबह तक के लिए बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। इसके तहत वैशाली, समस्तीपुर व खगड़िया में अत्यधिक बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं पटना, नालंदा, शेखपुरा, बेगूसराय के लिए भारी से अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के कई जिलों के अंदर सीओ का हुआ तबादला। बीते दिन राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तहत बड़ी फेरबदल की गई। इसके तहत कई जिलों में सीओ यानी कि अंचलाधिकारियों के साथ ही बंदोबस्त पदाधिकारियों व अन्य अधिकारियों का तबादला हुआ है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जो लिस्ट जारी की है, उसके मुताबिक कुल 37 अधिकारियों का तबादला किया गया है। इसमें पटना जिले के 6 अधिकारी शामिल हैं, जबकि समस्तीपुर के 6 अधिकारियों का भी तबादला किया गया है। साथ ही साथ पूर्वी चंपारण के 3 अधिकारियों को दूसरे जगह ट्रांसफर किया गया है। इनमें से कई अधिकारियों का पदस्थापन भी हाल ही में इन जगहों पर हुआ था, उन्हें भी ट्रांसफर दे दिया गया है। शिक्षा कार्यालयों में लंबे समय से जमे क्लर्कों का होगा ट्रांसफर। शिक्षा विभाग अब ऐसे लिपिकों के इतिहास को ढूंढने में लगी है, जो लंबे समय से एक ही कार्यालय में जमे हुए हैं। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने राज्य के सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशकों को पत्र लिखकर जानकारी मांगी है। इसके तहत क्षेत्रीय कार्यालयों में सालों साल से पदस्थापित कर्मियों की पूरी जानकारी मांगी गई है। इसके तहत 3, 5 या फिर 10 साल या फिर इससे अधिक की अवधि से पद पर बने हुए क्लर्कों की सूची को 1 सप्ताह के अंदर सौंपने को कहा गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशकों को एक फॉर्मेट भी भेजा है, जिसे भरकर 1 सप्ताह के अंदर बिहार माध्यमिक शिक्षा कार्यालय को भेजा जाना है। मुंगेर गोलीकांड की जांच कर रहे एडीजी विनय कुमार के तबादले को मिली सशर्त मंजूरी। पटना हाईकोर्ट ने पिछले साल मुंगेर में हुए दुर्गा विसर्जन के दौरान गोलीकांड की सीआईडी जांच की मॉनिटरिंग कर रहे एडीजी विनय कुमार के स्थानांतरण को शर्त के साथ मंजूरी दे दी है। मुंगेर कांड की जांच कर रहे एडीजी विनय कुमार के तबादले को मिली सशर्त मंजूरी। पटना हाईकोर्ट ने पिछले साल मुंगेर में हुए दुर्गा विसर्जन के दौरान कांड की सीआईडी जांच की मॉनिटरिंग कर रहे एडीजी विनय कुमार के स्थानांतरण को शर्त के साथ मंजूरी दे दी है।
बताते चले कि एडीजी विनय कुमार लॉ एंड ऑर्डर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए हैं और इनका यह स्थानांतरण प्रशासनिक तौर पर जरूरी था, इसलिए राज्य सरकार की तरफ से याचिका दायर करके उनके तबादले के लिए हाईकोर्ट से इजाजत मांगी गई थी। अब कोर्ट ने यह अनुमति राज्य सरकार के इस आश्वासन पर दी है कि ट्रांसफर के बाद भी वे इस कांड की जांच की निगरानी को देखते रहेंगे और नए एडीजी से सलाह मशविरा करते रहेंगे। बिहार में 3 जिलों से 6 नए कोरोना संक्रमितों की हुई पुष्टि। बिहार में गिने चुने कोरोना के मामले पाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते दिन के पिछले 24 घंटे के दौरान बिहार में 6 नए संक्रमितों की पहचान हुई है। इसके तहत सबसे अधिक पटना से 4 नए मामलों की पुष्टि हुई है, वहीं जहानाबाद और किशनगंज जिले से 1-1 नए मरीज सामने आए हैं। इस दौरान 6 मरीज रिकवर भी हुए हैं, जिसके बाद राज्य में कोरोना के कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 53 हो गई है। वहीं अब रिकवरी दर 98.66% हो गया है। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे शारदा सिन्हा की। बिहार कोकिला के नाम से मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा आज अपना 68वां जन्म दिवस मना रही है। किसी भी अवसर पर बिहार ही नहीं देश विदेश के विभिन्न हिस्सों में जब शारदा सिन्हा के गीत गूंजते हैं, आज भले ही दर्जनों गायक छठ गीत तैयार कर रहे हैं, लेकिन उसके भाव और मूल में शारदा सिन्हा के गाए गए छठ गीत ही हैं। शादी विवाह मुंडन जनेऊ विदाई श्रद्धांजलि गीत के अलावे लोक उत्सव सामा चकेवा आदि के गीत भी शारदा सिन्हा ने बखूबी से गाया है कि लोग बार बार उन्हें सुनते हैं। बिहार की लोक संस्कृति को बनाए रखने के लिए भारत सरकार के द्वारा उन्हें 1991 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। साल 2001 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तथा 2015 में बिहार सरकार के द्वारा सिने यात्रा पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। तो वहीं भारत सरकार द्वारा साल 2018 में उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पप्पू यादव को किया सम्मानित। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व सांसद पप्पू यादव को बीते दिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से कोरोना वॉरियर के रूप में सम्मानित किया गया। बीते दिन दिल्ली से आए डॉक्टरों ने IMA के दरभंगा जिलाध्यक्ष के साथ मिलकर पप्पू यादव के नाम का मोमेंटो और सर्टिफिकेट उनके प्रतिनिधि व जाप नेता डॉक्टर मुन्ना खान को प्रदान किया है। इस दौरान IMA दरभंगा जिलाध्यक्ष ने कहा कि देश भर के गिने चुने हुए वैसे लोगों को जिन्होंने कोरोना से पीड़ित लोगों और उनके परिजनों की सेवा की, उन्हें IMA की ओर से कोरोना वॉरियर के सम्मान से नवाजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना के दौरान पप्पू यादव ने पीड़ित लोगों की बहुत सेवा की, इसलिए उन्हें यह सम्मान IMA ने दिया है। BSPHCL ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर उपभोक्ताओं को किया जागरूक। बिहार सरकार लोगों को पुराने मीटर की जगह नए स्मार्ट प्रीपेड मीटर बदलने को लेकर कई तरह से जागरूक कर रही है। इसके तहत बीते दिन बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की तरफ से एक वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसके तहत उपभोक्ताओं को स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगवाने और इसके फायदे को लेकर जागरूक किया गया। इस वेबिनार में सीनियर ऑफिसर के द्वारा अद्यतन स्थितियों के बारे में भी बताया गया और कहा गया कि बिहार में बिजली की खपत 6600 मेगावाट से अधिक हो गई है। मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में स्मार्ट प्रीपेड मीटर की स्थापना का अभियान युद्ध स्तर पर चल रहा है। इसे लगाने का काम मुजफ्फरपुर से शुरू किया गया था और अब इसे पूर्णिया, समस्तीपुर, वैशाली, नालंदा, गया और अन्य जिलों तक बढ़ा दिया गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पटना स्थित आवास पर हुई चोरी। बिहार में चोरों के हौसले इस कदर से बढ़ गए हैं कि वे बड़े बड़े राजनेताओं के यहाँ भी लूटपाट करने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। ताजा मामले में बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा के पटना स्थित निजी आवास में अपराधियों ने दिन दहाड़े लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। यह घटना बीती रात की है और घटना के समय परिजन घर में ही मौजूद थे। इतना ही नहीं, गार्ड भी ड्यूटी पर तैनात थे। बताया जा रहा है कि चोर चार दीवारी फांद कर खिड़की का ग्रिल तोड़कर कमरे में घुसे थे। फिलहाल पटना एयरपोर्ट थाने की पुलिस इस घटना की तहकीकात में जुटी हुई है। आपको बताते चले कि कुछ दिनों पहले ही मदन मोहन झा के दरभंगा स्थित आवास में भी लूटपाट हुई थी। ऐसे में एक महीने के अंदर दो दो आवास में चोरी की घटना भी कई तरह के संदेह खड़े कर रही है। राजद उपाध्यक्ष ने नवजोत सिंह सिद्धू से की कन्हैया की तुलना। बिहार के महागठबंधन में राजद, कांग्रेस और CPI का गठबंधन बना हुआ है, मगर हाल ही में राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने कन्हैया कुमार के कांग्रेस में शामिल होने के बाद उन पर तीखा हमला बोला है। इतना ही नहीं, उनकी तुलना पंजाब कांग्रेस के सिद्धू से कर दी है। निजी चैनल ETV से बातचीत के दौरान शिवानंद तिवारी ने कहा कि कांग्रेस जिस तरह से छात्र नेता कन्हैया कुमार को स्टार की तरह से पेश कर रही है, वह कांग्रेस के लिए भारी पड़ सकता है। राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की माने तो
तो कांग्रेस के सियासत के लिए छात्र नेता कन्हैया कुमार दूसरे नवजोत सिंह सिद्धू साबित हो सकते हैं। जदयू नेता ने दिल्ली सरकार से छठ पूजा को लेकर किया आग्रह। आगामी छठ पूजा को लेकर दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल केजरीवाल सरकार ने कोरोना को लेकर लोगों को घाटों पर नहीं बल्कि अपने घरों में ही छठ पूजा करने को कहा गया है। लेकिन इस फैसले पर जदयू के प्रवक्ता अरविंद निषाद ने दिल्ली सरकार से कोरोना प्रोटोकॉल के तहत छठ पर्व करने की इजाजत मांगी है। जदयू प्रवक्ता अरविंद निषाद ने कहा कि दिल्ली सरकार को छठ करने की इजाजत देनी चाहिए। दिल्ली सरकार से आग्रह करते हुए उन्होंने कहा कि छठ के लिए कोरोना गाइडलाइन के साथ दिल्ली सरकार इजाजत दे। प्रवक्ता का कहना है कि बिहार में छठ के दौरान पूरा प्रदेश अनुशासन का उदाहरण पेश करता है। ऐसे में दिल्ली में बसे बिहार के लोगों को छठ पूजा घाटों में करने की अनुमति देने के लिए आग्रह किया गया है। धोनी के छक्के ने जीत लिया सबका दिल। धोनी ने कई बार विनिंग शॉट में छक्के लगाकर लोगों का दिल जीता है और ऐसा ही कल भी आईपीएल के मैच में देखने को मिला। बीते दिन शारजाह में खेले गए आईपीएल 2021 के 44वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 6 विकेट से हराकर प्ले ऑफ में अपना स्थान पक्का कर लिया है। इस जीत की खास बात यह रही कि महेंद्र सिंह धोनी ने अपने पुराने अंदाज में छक्का लगाकर मैच को जिताया था। 16वें ओवर में चेन्नई का स्कोर 108/4 था और तब क्रीज पर थे अंबती रायडू और महेंद्र सिंह धोनी। दोनों ने अच्छी बल्लेबाजी की और टीम को 2 गेंद रहते मैच जिता दिया। जब जीत को मात्र 2 रन रह गए थे तो धोनी ने सिद्धार्थ कौल की गेंद पर छक्का जड़ दिया। इस तरह चेन्नई ने अब प्लेऑफ्स में अपनी जगह को पक्का कर लिया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार क्या आपके घरों में अब तक स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर लगा है या फिर नहीं। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।